हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। इन दिस सेशन लेट अस डिस्कस अबाउट आवर फर्दर टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो क्या है, सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ बनता है जिससे हम क्या मेज़र कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को मेज़र कर सकते हैं अर्थक्वेक के। सो इन दिस टॉपिक अर्थक्वेक ट्रिमर्स प्रोड्यूस द शॉक वेव्स। अर्थक्वेक क्या करता है, शॉक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है ना, तो वो हर डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, अपनी वेव्स को ट्रांसफ़र करता है, शॉक वेव्स को ट्रांसफ़र करता है। द शॉक वेव्स ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन थ्रू द अर्थ एंड ऑल्सो रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अगर ये इस तरीके से हर डायरेक्शन के अंदर अपनी वेव्स को सेंड करता है, तो जहाँ पर हमारा सर्फेस होता है, वहाँ भी क्या होती है, कुछ अर्थक्वेक की वेव्स उस साइड भी, सरफेस के ऊपर भी हमें क्या कर महसूस होती है। सेस्मोग्राफ क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, जो मेज़र करता है और रिकॉर्ड करता है उस मैग्नीट्यूड को अर्थक्वेक के, इन टर्म्स ऑफ द शॉक वेव्स इट्स प्रोड्यूस। जितनी शॉक वेव्स आती हैं, जो सेस्मिक वेव्स आती है ना, उनकी टर्म्स में इसको ये क्या करता है, मेज़र करता है और रिकॉर्ड करता है। अ सेस्मोग्राफ डिटेक्ट द शॉक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक एंड ऑल्सो रिकॉर्ड द शॉक वेव्स ऑन द पेपर इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ। ये सेस्मोग्राफ पहले तो क्या करता है, शॉक वेव्स को डिटेक्ट करता है, उस जो अर्थक्वेक की वजह से सेस्मिक वेव्स निकलती हैं उनको पहले वो डिटेक्ट करेगा, उसके बाद वो रिकॉर्ड कैसे करता है, उसके पास क्या होता है, एक पेपर होता है ग्राफ की फॉर्म में, वहाँ पर उसको वो रिकॉर्ड करता है। सेस्मोग्राफ को हम सेस्मोमीटर भी बोलते हैं। सेस्मोग्राफ कंसिस्ट ऑफ हैवी वेट सस्पेंडेड फ्रॉम अ सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग वायर। यहाँ फिगर के अंदर देखो, इसके पास क्या होता है, एक हैवी वेट होता है, जो हैवी वेट एक वायर के थ्रू नीचे इस तरीके से प्रेजेंट होता है, सस्पेंडेड होता है। द सपोर्ट इज़ अटैच टू द बेस ऑफ द सेस्मोग्राफ। सपोर्ट कहाँ होता है, जो सेस्मोग्राफ का बेस होता है ना, उसके साथ अटैच होता है। सबसे पहले हमारा हैवी वेट है, हैवी वेट किसके साथ अटैच है, वायर के साथ एक सपोर्ट सिस्टम के ऊपर अटैच होता है, और जो सपोर्ट सिस्टम होता है ये फिर हमारा जो सरफेस होता है सेस्मोग्राफ का, वहाँ पे अटैच होता है। एंड द बेस ऑफ सेस्मोग्राफ इज़ फिक्स्ड रिजिडली टू अ सॉलिड रॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जहाँ ये लगे ना, यहाँ पे हमें मेज़र करना है अर्थक्वेक को, उस जगह पे क्या होता है, इसको फिक्स किया जाता है। अ पेन इज़ अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द हैंगिंग हैवी वेट। हैवी वेट के नीचे एक पेन या पेंसिल को लगाया जाता है। दिस पेन कैन ट्रेस द लाइन्स ऑन द ग्राफ पेपर वाउंड अराउंड रोटेटिंग ड्रम विच लाइज बीनीथ इट। नीचे एक ड्रम लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, ग्राफ होता है, रोटेटिंग ड्रम होता है ये, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेन पेंसिल वगैरह की वजह से ग्राफ ड्रॉ होता रहता है। प्लीज़ नोट दैट द पर्पज ऑफ यूजिंग अ फ्रीली सस्पेंडेड हैवी वेट इज़ दैट बींग हैवी इट हैज़ अ लॉट ऑफ इनर्शिया एंड हैंस इट रिमेन्स स्टेशनरी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है, इस हैवी वेट का सिर्फ इतना सा ही काम है कि इसके पास बहुत ज़्यादा मास होता है, बहुत ज़्यादा इनर्शिया होता है, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक के टाइम पे एक ही जगह रहता है, हिलता नहीं है, और जो हमारा रोटेटिंग ड्रम है ये हिलता रहता है और इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ होता रहता है। रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक व्हेन द रेस्ट ऑफ सेस्मोग्राफ फिक्स टू द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब यहाँ पे दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक हैवी वेट प्रेजेंट होता है, हैवी वेट के साथ एक वायर लगी हुई होती है, और वो वायर कहाँ होती है, सपोर्ट सिस्टम के साथ अटैच होती है। जो सपोर्ट सिस्टम होता है, वो इसका जो बेस होता है सेस्मोग्राफ का, उसके ऊपर टाइटली अटैच किया जाता है, और इस बेस को हम कहाँ अटैच करके रखते हैं, किसी एक रॉक के ऊपर बिल्कुल अच्छे से इसको अटैच किया जाता है। एक रोटेटिंग ड्रम प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर हमारा पेपर लगा हुआ होता है, जिसको हम ग्राफ पेपर बोलते हैं, और यहाँ पे जो हैवी वेट था उसके साथ में एक पेन लगा हुआ होता है या पेंसिल होती है। ये जो हैवी वेट होता है हमारा, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हैवी वेट इसलिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जिस टाइम पे अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक ही जगह पे फिक्स रहता है और ये इधर उधर हिलता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होता है, क्योंकि जो कंप्लीट हमारा सेस्मोग्राफ है सिर्फ इस हैवी वेट को छोड़ के, वो पूरा शेक होता है अर्थक्वेक के टाइम पे। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द सेस्मोग्राफ। इसकी वर्किंग की बात करते हैं। व्हेन एन अर्थक्वेक ओकर्स, जैसे ही एक अर्थक्वेक आता है, द अर्थ स्टार्ट शेकिंग ड्यू टू विच द बेस ऑफ सेस्मोग्राफ
फिक्स्ड टू द अर्थ ऑल्सो स्टार्ट शेकिंग। हमारी अर्थ है वो शेक करना शुरू कर देगी, इसी वजह से जो सेस्मोग्राफ हमारा किसी भी रॉक के ऊपर लगा हुआ था उस अर्थ के सरफेस पे, तो वो भी शेकिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जो फ्रीली सस्पेंडेड हैवी वेट होता है वो हमारा शेक नहीं करता अर्थ के एक के टाइम पे, वो स्टेशनरी रहता है। सिंस द ग्राफ पेपर ऑन द रोटेटिंग ड्रम शेक्स विद द शेकिंग अर्थ, जैसे ही अर्थ शेक करती जाएगी तो हमारा जो रोटेटिंग ड्रम होता है वो भी शेक करेगा। पेन जो अटैच था सस्पेंडेड वेट के साथ वो वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता रहता है जो अर्थक्वेक के टाइम पे प्रोड्यूस हो रही है ग्राफ पेपर के ऊपर। एक्चुअली द पेन ट्रेसेस द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द शेकिंग अर्थ एंड द स्टेशनरी। जो वहाँ पे रिकॉर्ड क्या होता है उस टाइम पे, एक तो हमारे पास स्टेशनरी कोई भी चीज़ है, मतलब जैसे यहाँ पे हैवी वेट स्टेशनरी था तो उसके साथ जो पेंसिल थी वो भी क्या है, स्टेशनरी ही है। लेकिन जो शेकिंग अर्थ हो रही है ना, इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव मूवमेंट है उसको ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, उसको ही ट्रेस करता है। This trace on the paper records the earthquake. A trace produced by a seismograph during an earthquake is shown in the figure. यहाँ फिगर के अंदर भी शो कर रखा है कि किस तरीके से ये ट्रेस करता है। Seismograph record is also known as seismogram. जो हम seismograph को record करते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये हमने seismograph को record किया है, seismograph record हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, seismogram बोलते हैं। A seismograph record या फिर seismogram क्या दिखाता है, seismic waves दिखाता है, अर्थक्वेक की वेव्स दिखाता है जो ग्राफ पेपर के ऊपर रिकॉर्ड की गई है सेस्मोग्राफ के द्वारा। सेस्मोग्राफ क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड या फिर सेस्मोग्राम क्या होता है, उसके ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ ग्राफ होता है, उसकी वेव्स होती है। इट ऑल्सो शोज द ड्यूरेशन फॉर विच द अर्थक्वेक लास्ट इन सेकेंड, ये सेकेंड्स में ये भी दिखाता है अर्थक्वेक कितनी देर तक था। जैसे वो ग्राफ होता है उसके अंदर हमने नंबरिंग की हुई होती है, तो वहाँ से हमें क्या पता लगता है, टाइम भी पता लगता है कब तक अर्थक्वेक चला था। अर्थक्वेक रिकॉर्डिंग लेबोरेटरीज जिनको हम सेस्मिक स्टेशंस बोलते हैं हैव बीन एस्टेब्लिश्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अर्थक्वेक को मेज़र करने की बहुत सारी हमारे पास लेबोरेटरीज हैं। बाय स्टडिंग द सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स ऑफ एन अर्थक्वेक प्रोड्यूस्ड एट वेरियस सेस्मिक स्टेशंस साइंटिस्ट क्या पता कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक मैप को जो अर्थक्वेक से हमें मिलता है, गिविंग इट्स फोकस, एपिसेंटर, मैग्नीट्यूड, ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता लग सकती है, सिर्फ एक ग्राफ से पता लग सकती है। द प्लेस इन साइड द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक इज जनरेटेड इज कॉल्ड फोकस। फोकस किसको बोलते हैं, हम जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हुआ है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अर्थक्वेक का फोकस है अर्थक्वेक का वो डीप होता है अंडरग्राउंड, क्योंकि वो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं। सेस्मिक वेव्स हमारी स्प्रेड होती है फोकस से, हर डायरेक्शन के अंदर जाएंगी अर्थ के अंदर। फोकस इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, या फिर हम ये भी क्या बोल सकते हैं कि जो अर्थक्वेक का सोर्स होता है वो कहाँ से होता है, फोकस से होता है। द पॉइंट ऑफ द अर्थ सर्फेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा उसकी वेव हिट करती है, सेस्मिक वेव वहाँ पर उसकी हिट करती है। जैसे यहाँ फिगर के अंदर शो कर रखा है, जहाँ से हमारा अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकस बोल रहे हैं। फोकस के बिल्कुल जस्ट ऊपर एक पॉइंट होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। और जो यहाँ पे इस तरीके से सर्कल्स में शो कर रखी है ना, ये क्या है, सेस्मिक वेव्स हैं। सेस्मिक वेव्स इस तरीके से ही रोटेट करेंगी। आपने कभी ये करके देखा होगा कि कहीं पे एक स्टैंडिंग वाटर प्रेजेंट है, उसके अंदर अगर आप कोई पत्थर फेंकते हो तो पत्थर फेंकने के बाद क्या होता है, वो वेव्स ट्रैवल करती है, ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो इसी तरीके से हमारी क्या होती है, सेस्मिक वेव्स ट्रैवल करती हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। अब है रिचर स्केल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन द रिचर स्केल। जो मैग्नीट्यूड होता है या फिर कोई इंटेंसिटी होती है किसी भी अर्थक्वेक की, वो किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, रिचर स्केल के ऊपर एक्सप्रेस किया जाता है कि कितना मैग्नीट्यूड था उसका। द रिचर स्केल इज अ सीरीज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 12 यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड और द साइज ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का साइज मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिचर स्केल बोलते हैं या फिर रिचर स्केल बोलते हैं, जिसके ऊपर सीरीज होती है 1 to 12 से नंबर तक।
जस्ट लाइक द डेसिबल स्केल फॉर मेजरिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड, जैसे हम साउंड की जो लाउडनेस को मेजर करते हैं वो डेसिबल की स्केल के ऊपर मेजर करते हैं, कितनी साउंड होती है उसको हम डीबी की फॉर्म में राइट करते हैं, डेसिबल की फॉर्म में। इसी तरीके से यहाँ पे एक रिक्टर स्केल होता है जो क्या किसको मेजर करता है, अर्थक्वेक को मेजर करता है। और जो ये रिक्टर स्केल होता है ना, ये लीनियर स्केल नहीं होता, जैसे हम स्केल्स को यूज़ करते हैं उस तरीके का कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता ये। This means that an earthquake of magnitude 2 on the Richter scale is not the 2 times as strong as an earthquake of the magnitude 1 on this scale. मतलब जैसे आपने ये देखा होगा आपके नॉर्मल जो स्केल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वैल्यू बराबर होती हैं, जैसे 1 2 ये भी 1 ही सेंटीमीटर होता है, ये भी 1 ही सेंटीमीटर होता है, इसी तरीके से आपने स्केल्स के ऊपर देखा है। लेकिन यहाँ पे रिक्टर स्केल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि ये अमाउंट है जो दोनों की ये बराबर होएंगी, ये जो मेजरिंग चीज़ें हैं इनकी ये बराबर नहीं होती रिक्टर स्केल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड 2 का अगर रिक्टर स्केल है हमारे पास, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैग्नीट्यूड 1 था वो इसका डबल ही है, 1 का डबल 2 है, ऐसा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। इनफैक्ट जो अर्थक्वेक है मैग्नीट्यूड 2 का वो 10 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है जब मैग्नीट्यूड 1 का अर्थक्वेक आता है उससे। सिमिलरली जब एक अर्थक्वेक होता है हमारा मैग्नीट्यूड 3 का, ऑन द रिक्टर स्केल इज 100 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज द अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड 1 ऑन द सेम स्केल। तो 3 के ऊपर अगर हम बोले तो वो क्या होता है, 100 टाइम स्ट्रोंगर होता है 1 से। एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 ऑन द रिक्टर स्केल इज 1000 टाइम्स स्ट्रोंगर देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4, 4 से 6 का 1000 टाइम स्ट्रोंगर होता है। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक है मैग्नीट्यूड 6 का वो 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का है, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कोज कर सकता है वो 1000 टाइम जितना वो 4 पे आया था। An earthquake of magnitude 1.5 on the Richter scale is the smallest earthquake that can be felt by us. जो जिसको हम फील कर सकते हैं ना वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मैग्नीट्यूड की 1.5 है। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 ऑन द रिक्टर स्केल कॉजेज सम डैमेज बट नॉट सो मच डैमेज। जो 4.5 का है वो भी क्या करता है, कुछ डैमेज कॉज करता है पर कुछ ज़्यादा डैमेजेस को भी वो कॉज नहीं कर पाता। द अर्थक्वेक हैविंग द मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिक्टर स्केल आर रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। जिनकी वैल्यू 7 से ऊपर चली जाती है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं। बोथ भुज एंड द कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5 ऑन द रिक्टर स्केल। जो भुज और कश्मीर के अंदर अर्थक्वेक्स थे उनका मैग्नीट्यूड 7.5 से ज़्यादा था। द अर्थक्वेक विच मेजर्स 8.5 और मोर आर डिवास्टेटिंग, वो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग माने जाएंगे। ड्यूरिंग दिस अर्थक्वेक द अफेक्टेड पार्ट ऑफ अर्थ सर्फेस शेक्स वियोलेंटली। जहाँ जहाँ अर्थक्वेक होता है 8.5 मेजर किया जाता है जहाँ पे, वो वहाँ पे क्या होती है अर्थक्वेक बहुत ही वियोलेंटली शेक करता है, अर्थ को बहुत ज़्यादा शेक करता है। सच अर्थक्वेक्स कैन डिस्ट्रॉय एंटायर सिटी विलेज कॉजिंग अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। पूरी सिटी को पूरे विलेज को वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतना ज़्यादा होता है 8.5 मेजर का। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक के अगेंस्ट हम ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा हमारे पास 8.59 इस तरीके से अगर अर्थक्वेक मेज़र होता है तो उसकी इतनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, लेकिन हम कुछ प्रोटेक्शन खुद की भी कर सकते हैं, लाइफ से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ तो प्रोटेक्शन होती हैं। अर्थक्वेक आर हाईली डिस्ट्रक्टिव एंड दे कांट बी प्रिडिक्टेड। कभी कभार क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, उनको हम पहले प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते। सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी टेक द प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स ऑल द टाइम स्पेशली वी लिव इन द सेस्मिक जोन ऑफ द कंट्री। अगर हम सेस्मिक जोन के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो उनसे हमें क्या करना है, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है हर टाइम, क्योंकि इनका पता तो लगता नहीं है किस टाइम पाते हैं, पहले हम इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस विच कैन बी टेकन बाय द पीपल लिविंग इन द सेस्मिक जोन्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक आर एज फॉलोज। क्या क्या हो सकते हैं,
All the houses and other buildings in the seismic zones should be designed and constructed in such a way that they can withstand major earthquake tremors. जितने भी house और buildings हैं seismic zones के अंदर, उनको इस तरीके से design किया जाना चाहिए, construct किया जाना चाहिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा बड़े earthquake को भी easily withstand कर सके, उनसे कोई destruction cause ना हो. It is possible to do so by using the modern building technologies which is available these days. मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं और हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की के अंदर, उसने डेवलप किया है नो हाउ टू मेक द क्वैक प्रूफ हाउसेज, ऐसे हाउसेज जो अर्थक्वैक से बचा सके, उनको उन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है. द पीपल शुड कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, जो क्या करते हैं हाउसेस को, दूसरी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं इन द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, सो दैट दे कैन बी मेड क्वैक सेफ एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके वो क्वैक सेफ कर सके, मतलब अर्थक्वेक से वो सेफ रह सके. इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज़ ऑफ मड एंड द टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउस इज बेटर देन यूजिंग द हैवी कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स. सेस्मिक एरियाज के अंदर हम मड को, टिम्बर, टिम्बर क्या होती है, वुड होती है एक, इनको यूज़ कर सकते हैं हाउस को बिल्ड करने के लिए. ज़्यादा बेटर होते हैं हैवी कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स के कारण. द रूफ ऑफ हाउस इन सच एरियाज शुड बी कीप्ड एज लाइट एज पॉसिबल सो दैट इन केस ऑफ रूफ फॉल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द डैमेज विल नॉट बी टू मच. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो रूफ़ होती है, जैसे हाउस की रूफ है, उसको इतना लाइट रखना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके. अगर बाय चांस क्या होता है, रूफ़ फॉल होता है, गिरती है अर्थक्वेक के टाइम पे रूफ, तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस कोज ना हो. द कपबोर्ड्स एंड द शेल्फ शुड बी फिक्स टू द वॉल्स सो दैट दे डो नॉट फॉल ईजिली वन शेकिंग ओकर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. कपबोर्ड्स हैं, शेल्फ्स हैं, अलमीराज हैं, उनको अच्छे से वॉल के साथ फिक्स कर देना चाहिए, ताकि वो इजिली शेकिंग का टाइम पे गिरे ना. ग्लास बॉटल शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन हाई शेल्व्स एंड द हाई हैवी ऑब्जेक्ट्स शुड बी प्लेस्ड लो टू द ग्राउंड. हैवी ऑब्जेक्ट्स नीचे रखने चाहिए, ग्लास की बॉटल्स है वो ऊपर नहीं रखनी चाहिए, ग्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट हो. द ऑब्जेक्ट सच एज द हैवी मिरर, फोटो फ्रेम्स, वॉल क्लॉक्स, वाटर हीटर एटसेट्रा शुड बी माउंटेड सिक्योरली ऑन द वॉल्स एट सच प्लेसेज इन द हाउस दैट दे डू नॉट फॉल ऑन द पीपल इन द हाउस इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक, ताकि वो लोगों के ऊपर ना गिरे. उनको इस तरीके से अच्छे से फिक्स कर देना चाहिए और ऐसी जगह के ऊपर फिक्स करना चाहिए कि वो लोगों के ऊपर ना गिरे अर्थक्वेक के टाइम पे. All the building, especially tall buildings, should have fire fighting equipment in working order, क्योंकि some buildings may catch fire during an earthquake due to electric short circuit. सबके पास क्या होना चाहिए, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट होने चाहिए. अर्थक्वेक के टाइम पे कभी कभार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से फायर लग जाती है. In case of an earthquake occurs, we should take the following precautions to protect them ourselves, depending on whether we are at home or outdoors at that moment. Earthquake के टाइम पे हम कुछ मेजर्स इस तरीके से ले सकते हैं, जिनसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सकें. If we are at home when an earthquake occurs, अगर हम हमारे घर में हैं और earthquake हो रहा है, तो we should take shelter under a study table और अ किचन काउंटर एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग ड्यू टू द अर्थक्वेक स्टॉप्स. ऑल दिस वाइल वी शुड कवर अवर हेड विद द हैंड्स. हैंड्स के साथ हम हमारे हेड को कवर करके रखेंगे. क्यों रखेंगे, ताकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो कोई हम टेबल के नीचे होने चाहिए, तो जिसकी वजह से वो हमारे सिर के ऊपर नहीं लग सकता. वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द टाल एंड द हैवी ऑब्जेक्ट्स. टाल और हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना है, जैसे अलमीरा, कैबिनेट, बुक रैक्स, रेफ्रिजरेटर्स. द इफ़ दे टोपल दे मे नॉट फॉल ऑन अस. वी शुड ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम द ग्लास विंडोज दैट मे शैटर ड्यू टू द वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस की वजह से विंडोज भी गिर सकती हैं. इफ़ वी आर इन बेड वी शुड जस्ट मूव ऑन द बेड टू बी क्लोज टू अ वॉल बट नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड. अगर हम बेड पे हैं तो हम दीवार की तरफ चले जाएंगे कोने में बिल्कुल बेड के, और वहाँ से उठेंगे नहीं. वी शुड प्रोटेक्ट अवर हेड विद द पिल्लो. एक पिल्लो से हम हमारे हेड को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. इफ़ वी आर आउटडोर्स वेन द अर्थक्वेक ओकर्स. अगर हम आउटडोर में प्रेजेंट हैं और अर्थक्वेक हो रहा है, तो वी शुड स्टे एट अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवर हेड पावर लाइन्स. ऐसी ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना है. वी शुड ऑल्सो सिट ऑन द ग्राउंड सो दैट वी मे नॉट फॉल ड्यू टू द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड. वहाँ पर हम बैठ भी सकते हैं.
इफ वी आर इन द कार वी शुड नॉट कम आउट ऑफ इट, कार के अंदर है तो वहां से बाहर नहीं आना है. द कार शुड बी ड्राइवन स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग ट्रीज एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स. वी शुड नॉट कम आउट ऑफ द व्हीकल टिल द ट्रिमर्स स्टॉप, जब तक शेकिंग स्टॉप नहीं हो जाती तब तक हम व्हीकल से बाहर नहीं आएंगे. आई होप यहाँ तक मैं क्लियर रही होंगी. अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे. तब तक के लिए हर हर महादेव.